आज हम गांव रुलाना कला में पहुंचे हैं और ये एक गांव रुलाना कला का सबसे टूटा हुआ मकान हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल जर्जर है, ये देखिए। नमस्कार माता जी। नमस्ते। क्या मकान कितने टाइम से टूटा हुआ आपका? फिर भी कुत्ते बिल्ली खा ले, रोटी कुत्ते चिमनी मिले। कौन कौन रहता मकान में? मैं भी रहूं, बालक भी। एक छोरी है, एक छोरा है। अच्छा अच्छा, तो आपने फिर ये कहीं भेजा भी है इसके लिए पंचायत में या फिर किसी प्रशासन को बोला किसी के बारे में? सारे कांड लिया ये सबकी भी। अच्छा हाँ, सारे कांड लिए सारे कांड लिए। अच्छा अच्छा, बताएंगे मकान के बारे में क्या समस्या है इसका, क्या चक्कर? मकान का ये है जी, कम से कम 14-15 साल हो गए जिस मकान ने पड़े ना। ग्राम पंचायत को बोल दिया, वीडी दफ्तर में घूमे आए, पानीपत घूमे आए, कृष्णलाल पवार मंत्री महोदय के पास भी गए थे, सांसद जी के पास गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही ना। ही ग्राम पंचायत ने पूरे 5 साल में इसकी तरफ ध्यान दिया। बार बार कहने के बाद भी लिस्ट में नाम आ जाता है, लेकिन रास्ते में बीच में नाम कट जाता है। इनके पास जो ये जिसमें ये रहते हैं ना, यहाँ पे पहले पशु बनते थे। यहाँ पे मकान पड़ने के बाद इन्होंने अपनी आजीविका बुग्गी जोटा इनके पास वो बेच दी। जहाँ जोटा बनता था, पशु बनते थे, वहाँ ही रहने लगे, क्योंकि मकान की आप हालत देख सकते हो, कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता था। बहुत बार दफ्तरों में धक्के खाने के बावजूद भी आज भी ऐसे के ऐसे मकान पड़ा है। बड़े शर्म की बात है, समाज में ऐसे ऐसे काम नहीं हो रहे। बहुत बार बोल चुके हैं लेकिन काम नहीं बन रहा जी। ग्राम पंचायत तरफ से भी आपने कुछ एप्लीकेशन लगाई है गांव वालों? ग्राम पंचायत को भी एप्लीकेशन लगाई थी, सरपंच को भी बोला है और दिखा भी दिया मौका। ये इनका पर्सनल है, खुद का घर है इनका। ये बार बार भी बोल लिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही जिनकी। तो देखिए किस तरह से ये मकान जर्जर हालत में है। माता जी की हमने अभी भी वीडियो क्लिपिंग आपको दिखाई है। ये देखिए दीवारें बिल्कुल टूटी हुई हैं और छत भी टूटी हुई है। जैसे कि पड़ोसी अशोक कुमार ने, समाज सेवी ने बताया कि यहाँ पहले ये रहते थे, और जो साथ में बाहर जो छप्पड़ दिख रहा है, यहाँ पे एक ये बुग्गी जोटा का काम करते थे, वहाँ उसको बांधते थे। लेकिन जब इनका मकान गिर गया, इनके पास कुछ रहने की जगह नहीं थी, तो जहाँ पे वो भैंस को बांधते थे उसी घर में, फिर इसी झोपड़ी में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। कई बार इन्होंने बता रहे कि ग्राम पंचायत प्रशासन को गुहार भी लगाई है, लेकिन बड़े ही दुख की बात है, अभी तक ये बता रहे कि अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ। ये देखिए किस तरीके से ये छप्पड़ बना हुआ और इसमें ये रह रहे हैं, जो कि कभी भी गिर सकता है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ये इनके पड़ोसी भी हैं, इन्होंने जिन्होंने वॉइस ऑफ आमजन और टुडे न्यूज को यहाँ पे हमें आमंत्रित किया था और अपना व्यू देना चाहते हैं जी। कुछ और बोलना चाहते हैं आप इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल बोलना चाहते हैं। देखिए हम लेंटर के मकान में रहते हैं, दो दो दरवाजे होते हैं, नीचे बेड होता है, ऊपर ब्लैंकेट या रजाई होती है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे है ना, ये पशु बांधते थे। ये मकान पड़ने के बाद, गिरने के बाद इन्होंने यहीं अपना बसेरा लगाया है। जो अपनी आजीविका झोटा बुग्गी ले रहे थे वो अपने बेच के इसमें झोटा बनता था, यहाँ पे इसमें अपना ये रैन बसेरा बनाया इन्होंने। ये देखिए सिर्फ ये पल्ली पल्ली है, यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं है बिल्कुल, वहाँ यहाँ से लेकर वहाँ तक खुला हुआ है। और इतनी ठंड में आप जानती होगी, मतलब कितनी ठंड है, अब की बार तो बहुत पड़ी है, तो इतनी ठंड में इन्होंने अपना जीवन यापन किया है। सरकार से दरख्वास्त है कि मतलब इनका मकान बनाया जाए। और तो देखिए हम हर बार आपको एक गरीब परिवार से मिलवाते हैं और इस बार भी हम गांव रुलाना कला, जिला पानीपत के गांव रुलाना कला में आए हैं,
जो उलाना कला का सबसे जर्जर हालत का मकान हमने आपको दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमें पहले नारा दिया था कि हर घर के नीचे हर इंसान के सर पे छत होनी चाहिए, लेकिन जहां अब हम ये चीज़ें देखते तो कहीं ना कहीं वो नारा फेल होता नज़र आ रहा है। माता जी का घर बिल्कुल टूटा हुआ है। हमारे साथी ने बताया कि यहाँ पर कोई इनको काफ़ी लंबे समय से उन्होंने पंचायत को प्रशासन को गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने वॉइस ऑफ आमजन के माध्यम से भी इन्होंने दरख्वास्त लगाई है कि कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए और इनके मकान का कहीं ना कोई सहारा बने, इनका मकान बनवाया जाए। तो लगातार इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहे वॉइस ऑफ आमजन से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ जी। कि बीजेपी का यही नारा कि सबका साथ सबका विकास, वो नारा आज फैल होता नजर आ रहा, वे आप सबके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।